न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आटम पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री विशाल जौली ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद और उनके साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हमने विशाल जौली जी से बात की। आइए देखते हैं हमारे न्यूज आप तक के चेयरमैन जे बॉबी के साथ। अभी इस वक्त हम लोग जो है आडम पहाड़ में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है यहाँ पे माला अर्पण किया गया है। बिरसा मुंडा जी का यहाँ पे स्टैचू है वहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जौली जी और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार के। चलिए जानते हैं इस विषय में, आज इस दिवस के बारे में इनसे जानते हैं। सर, ये दिवस के बारे में बताइए सर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी जनजातीय समाज के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने निछावर किया। जनजातियों का सामरिक दृष्टि से उनको सशक्त बनाने के लिए वन क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार होता था और उनके पूंजीवादी जो बिजनेसमैन के द्वारा जो शोषण वन क्षेत्रों का होता था उसके खिलाफ उन्होंने पहले आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जनजातीय समाज का एक विशाल सेना भी खड़ा किया और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे गांव की हमारा जो अपना ज्ञान है औषधि के बारे में उसको लेके इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर वनवासियों को हर तरह से सुरक्षा मिले, वनवासियों का जीवन सुखी हो, वनवासियों का शोषण बंद हो, वो मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए उनका पूरा जीवन संघर्ष के रूप में ही उनका जीवन चला। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया और जेल के अंदर ऐसा माना जाता है कि स्लो पॉइजन के तहत या जैसे भी हो विस्मय वाली परिस्थितियों में जेल के अंदर उनका निधन हुआ। यह हत्या था अंग्रेज़ों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का और जनजातीय समाज का आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ये घृणित कार्य किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो दीप जलाया था वनवासियों के हृदय में और वनवासियों के जीवन में, वो दीप बुझने वाला नहीं था और उसका लौ और ज़्यादा लपक के रूप में आग बना और अंग्रेज़ों को बाद में भारत छोड़कर वनवासी वन के क्षेत्रों को छोड़कर भागना पड़ा। भगवान बिरसा मुंडा जी का पूरा जीवन जो उन्होंने देश के लिए वनवासियों के लिए निछावर किया उसको अंगीकार करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज के दिन को, उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो किया है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वनवासी बंधु सभी बहुत खुश हैं, भारतवासी खुश हैं। जो बिरसा मुंडा जी भगवान का जो इतना पूरा जीवन जो उन्होंने देश के लिए निछावर किया, आज उनको न्याय मिला है ऐसा लगता है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें एक मुख्य मणि के रूप में एक निर्णय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा के लिए रहने वाला है और हम सब भारतवासी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, दीर्घ उनका जो उन्होंने सीख दिया है वनवासियों के लिए और भारतवासियों के लिए वो सीख और वो विचार आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की। जैसे कि डिगलीपुर में भी बिरसा मुंडा जयंती के उनके जयंती के अवसर पर जो है युवा मोर्चा का द्वारा जो है एक कबड्डी टूर्नामेंट भी रखा गया था। अंडमान निकोबार के हर द्वीपों में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है इनके जयंती के अवसर पर। हम लोग जो है यहाँ पे जो बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर यहाँ के जो रांची समुदाय के लोग यहाँ पे जो आए हैं उनसे जानते हैं कि वो इस दिवस में जो है अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में हर एक क्षेत्रों में
से आपका दीपों में जो है क्या क्या प्रोग्राम किया जाएगा और खास करके पोडलर में इनका द्वारा जो है क्या क्या प्रोग्राम होगा इसके बारे में इनसे जानते हैं। तो बताइए आप लोग इनका जयंती को कैसे मनाते हैं? पहले हर सुबह इनका माल्यार्पण होता है जी, पूजा जाए आरती जो भी है धूप दिए करके हम पूजा करते हैं जी। इसके बाद पहले कल्चर प्रोग्राम रखे थे, फिर छोटा रैली भी करते थे लेकिन कुछ कोरोना कोविड का वजह से ये सब नहीं हो पा रहा। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जो भगवान बिरसा मुंडा का जो दिवस है जन्म दिवस है उसको एक नेशनल डे के रूप में राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो घोषित किया जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्या क्या कार्यक्रम होगा आप लोगों का? फिलहाल 2 साल से हम छोटे ही रूप में माल्यार्पण सब कर रहे हैं और शाम को पहले कल्चर प्रोग्राम होता था वो सब कार्यक्रम करते थे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी जानते हैं इस दिवस के महत्व के बारे में। आप लोग इसको कैसे मनाया जाता है, आप लोग आप समुदाय के उनसे द्वारा जो है इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? कहानी हम लोग सुबह आके माल्यार्पण करते और धूप धुआन करते, अगरबत्ती जलाते और फूल चढ़ा के उनका आशीर्वाद लेते और हम लोग सब आदिवासी सब खुश रहें वही कामना करते हैं। हम इस बिरसा मुंडा के जन्मदिन को पहले बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अभी कोरोना के वजह से बस फिलहाल पूजा पार्टी करते हैं। कल्चर प्रोग्राम करते थे, छोटे छोटे बच्चों सब भाग लेते थे, उनको जो फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ भी देते थे। और अभी इस बीमारी की वजह से अभी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बस छोटा मोटा ही प्रोग्राम ही करते हैं बस। जैसे कि इनके संबंध में के जितने भी लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश की ताकि ये क्लियर हो सके कि इनका द्वारा जो है कि इस दिवस में क्या क्या फंक्शन किया जाएगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।